हाँ जी, देखिए जैसा कि कल हमने लास्ट में जो टॉपिक ड्रॉप किया था हमारा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात की थी। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हमने कुछ ऐसे एडजेक्टिव लिखे हैं, एडवर्ब लिखे हैं, जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है वो मोर देन वन है, और उनका एस्पेक्ट भी अलग अलग है। जैसे क्या लिखा, फार लिखा है, ठीक है ना। अब फार लिखा है तो फार का फार्दर भी है और फर्दर भी है, फर्देस्ट, ठीक है ना। अब यहां जब हमने बात की फार की, फार डिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में लिया है तो उसकी डिग्रीज ये होंगी, और इन एडिशन टू के कॉन्टेक्स्ट में लिया, एडिशनल के कॉन्टेक्स्ट में लिया है तो फर्दर और फर्देस्ट होंगे, ठीक है ना। इसी तरह से देखिए हमने लिखा ओल्ड का, तो ओल्ड वाली तो हम बात डिटेल में कर चुके हैं, उसको तो इसको बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने बात करनी है किसकी, लिटिल। लिटिल का पहला क्या लिखा, लैस लीस्ट। अब ये किसके लिए, स्मॉल इन अमाउंट, अमाउंट के कॉन्टेक्स्ट में होगा। अगर नाउन आपके पास ऐसी है जो अमाउंट को बता रही है तो आप क्या लिखेंगे वहां पे, लिटिल को यूज करेंगे, और अमाउंट एक अपने आप में ऑलरेडी नाउन है, अमाउंट नाउन है ना। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, लिटिल लिटिलर लिटिलिस्ट। अब यहां जब हमने बात की तो क्या, स्मॉल इन साइज, की साइज की बात हो रही है, ठीक है ना, उसकी किसकी बात हो रही है, साइज की बात हो रही है कहीं ना कहीं। उसके बाद में लेस और लीस्ट। अब यहां हम बात करें लेस, लेसर, लिटिल का लेसर और लीस्ट, तो यहां हमने बात की इंफीरियर की या स्मॉलर इन इंपॉर्टेंस, स्मॉलर इन इंपॉर्टेंस। अब सेंटेंस का जब आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए मैंने लिखा, अब जैसे इसी की हमने सेंटेंस फ्रेम किया, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं आपका, क्वेश्चन नंबर वन, दैट कॉम्प्लेक्स इज फ्रॉम माय हाउस, दैट कॉम्प्लेक्स इज ब्लैंक फ्रॉम माय हाउस, ठीक है ना। वेयर यू परचेज्ड, PURCHASED, परचेज्ड दिस मोबाइल, ओके। अब यहां मैंने क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है फार, फार्दर, फार्देस्ट, फर्दर और फर्दर। बोलिए, दैट कॉम्प्लेक्स, यहाँ कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है ये तो पता है क्या आपको। हेलो, कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या है। खानों पे होता वो, कटला कटला सर, दैट, हाँ जो कटला है, मतलब जहाँ खूब सारी दुकानें एक साथ होती हैं उसी को बोलते हैं। दैट कॉम्प्लेक्स इज ब्लैंक फ्रॉम माई हाउस वेयर यू परचेज दिस मोबाइल, आंसर क्या होगा ये ऊपर वाले में से, ऑप्शन आपके पास। बोलिए सर। हाँ, अब यहाँ इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में कैसी बात कर रहे हैं, बोलिए, कोई कंपैरिजन हो रहा है या फिर एक कोई स्टेटमेंट है यहाँ पे। स्टेटमेंट है सर, स्टेटमेंट है यहाँ पे, यहाँ पे हमें पता लग गया कि सेंटेंस में क्या है, स्टेटमेंट है। और जब स्टेटमेंट की हम बात करें, सिंपल स्टेटमेंट की बात करें, तो कौन सा डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज होगा, कौन सा डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज होगा, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री होगा। तो पॉजिटिव डिग्री के लिए मैं क्या लिखूं यहाँ पे, फार लिखूं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, यहाँ आप समझ पाए कि सिंपल स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे देखो, आपने इस कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई भी कर दिया। कैसे आइडेंटिफाई किया बताओ, कौन से कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, कहाँ पता लगा, क्या चीज है जो इसको डिफाइन कर दिया। सर मोबाइल परचेज किया ना। हाँ, व्हेन, वेयर, वेयर यू परचेज, अब ये देखो इसको डिफाइन कर दिया। लेकिन मैंने यहाँ देखो दैट भी लिखा है, दिस नहीं लिखा, क्या लिखा है मैंने यहाँ, अगर आप एडजेक्टिव की बात करें, डिटर्मिनर की बात करें, तो मैंने क्या लिखा, दैट क्यों लिखा, दैट दैट से हमें क्या, दैट से क्यों क्लू मिला, दैट से क्या क्लू मिला, डिस्टेंस दूर है, यस का मिल रहा है, मिल रहा है ना डिस्टेंस का। दैट कॉम्प्लेक्स इज फार, दैट कॉम्प्लेक्स इज फार फ्रॉम माय हाउस वेयर यू परचेज दिस मोबाइल। अब देखो इसके, अब डिस्टेंस जब स्पीकर जो बोल रहा है उससे इसकी डिस्टेंस है वो नियर बाय है, और जबकि इसकी डिस्टेंस है वो क्या है, इससे कहीं ज्यादा है, इसीलिए हमने क्या यूज किया, यहाँ दैट यूज किया, और यहाँ क्या लिखा है, दिस लिखा। क्लियर, कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है कहीं, दिस और दैट का कंपैरिजन का आपको।
देखिए दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिल्ली इज ब्लैंक फ्रॉम खेतरी नगर देन जयपुर, दिल्ली इज ब्लैंक फ्रॉम खेतरी नगर देन जयपुर। अब यहाँ जो ऑप्शन आपको दिए गए ऊपर, इनमें से आपको आंसर बताना है, पोस्ट ऑफिस इज द ब्लैंक गवर्नमेंट बिल्डिंग फ्रॉम माई स्कूल इन दिस टाउन। बोलिए क्या होगा? सेकेंड में तो सर फादर। हाँ जी, अब सेकेंड में तो आपने बता दिया, कौन सी डिग्री है, कैसे पता लगा, आइडेंटिफाई कैसे किया? सर जयपुर और दिल्ली में कंपेयर। हाँ जी, दो दो सिटी हैं जिनका कंपैरिजन, जिनकी डिस्टेंस का कंपैरिजन, जयपुर और दिल्ली हैं, इन दोनों सिटी की डिस्टेंस का कंपैरिजन। हमने कोई पॉइंट हमारे पास है मैप के ऊपर, इसको क्या लिखा हमने, खेतरी नगर। अब खेतरी नगर जो लिखा हमने, ये इसका स्टैंडर्ड पॉइंट है, स्टैंडर्ड पॉइंट है। अब इसी पॉइंट से हमने पैरामीटर से जो डिस्टेंस मेजर की है, तो एक सिटी इधर है और एक सिटी इधर है। तो अब यहां से जब हमने बात की, तो यहां क्या लिखा हमने, स्टैंडर्ड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया हमारा, खेतरी नगर, और ये क्या हो गया, दिल्ली हो गया। अब इस सिटी के, इस पॉइंट के कंपैरिजन में इसकी डिस्टेंस है वो मोर देन है देन दिस, क्लियर? तो डिस्टेंस का कॉन्टेक्ट, ये नहीं कहा कि जयपुर दिल्ली से ज्यादा दूर है, ये नहीं कहा जयपुर दिल्ली से दूर है, क्या कहा, खेतरी नगर से दिल्ली है वो जयपुर से अधिक दूर है। कॉन्टेक्स्ट स्टैंडर्ड हमारा क्या है, स्टैंडर्ड क्या है बोलिए, स्टैंडर्ड पॉइंट कौन सा हमारा, स्टैंडर्ड पॉइंट कौन सा है, खेतरी नगर, यहाँ से कंपैरिजन किया हमने। हाँ, लेकिन कंपैरिजन के लिए दो नाउन हमारे पास है ऑलरेडी, तो हम कौन सा डिग्री लिखेंगे यहाँ पे, देखो ऑप्शन में क्लू भी मिला आपको, क्या लिखा है, देन, क्या लिखते हैं बोलिए, क्या होगा, फार्दर, फार्दर होगा, फार्दर होगा, फार्दर होगा, एफ ए आर टी एच ई आर, एफ ए आर टी एच ई आर, दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम खेतरी नगर दैन दिल्ली, सॉरी जयपुर। हाँ जी, पोस्ट ऑफिस इज द ब्लैंक गवर्नमेंट बिल्डिंग फ्रॉम माई स्कूल इन दिस टाउन। बोलिए, हेलो, माई स्कूल लिखा है, माई स्कूल लिखा है, ये एक पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है। अब इस सिटी में, टाउन की हम बात कर रहे हैं, इस टाउन में बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, बहुत सारी क्या है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, लेकिन कोई बिल्डिंग ऐसी है जो क्या है, क्या है बोलिए, पोस्ट ऑफिस, हाँ, एक ऐसी बिल्डिंग है जिसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो सुपरलेटिव होगा ना, हाईएस्ट हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो क्या लिखा, पोस्ट ऑफिस इज द, बोलिए, अब दाम मिल गया आपको क्यू, हेलो, तो क्या लिखे हैं, बोलिए, फार्दर, एफ ए आर टी एच ई एस, ठीक है ना, हाँ जी, ई एस टी, एफ ए आर टी एच ई एस टी, पोस्ट ऑफिस इज द फार्देस्ट गवर्नमेंट बिल्डिंग फ्रॉम माय स्कूल इन दिस टाउन, स्टार्टिंग बिगिनिंग पॉइंट यहाँ है, ठीक है ना, यहाँ से बात की जा रही, क्लियर? तो इसके लिए डिस्टेंस के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा स्टैंडर्ड पॉइंट चाहिएगा जिस पॉइंट के कंपेरिजन में हम बात करें, ठीक है ना, डिस्टेंस के लिए तो स्टैंडर्ड तो पॉइंट पे चाहिए ना हमें, कि कहां से बात करें, किसकी जगह की बात करें, किसके कंपैरिजन में बात करें, क्लियर? तो अब बात करते हैं हम फार्दर की होगी, फार्देस्ट की होगी, अब बात करेंगे हम फर्दर की, ओके। क्वेश्चन देखिए, दिस स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अस ब्लैंक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिसीज की स्पेलिंग सही है, चेक करना, पी ओ एल आई सी IES policies, अब सही है ना, policies about employment than the previous। अब क्या क्लू मिला आपको इस सेंटेंस में, आप क्या यूज करेंगे, फार्दर यूज करेंगे, फर्दर यूज करेंगे, फार्देस्ट यूज करेंगे, फर्देस्ट यूज करेंगे, सर वैसे तो देन मिल रहा है ना क्लू, हाँ देन क्लू मिल गया आपको, तो देन क्लू मिल गया तो अब आंसर क्या होगा, देन मिल रहा है तो फार्देस्ट आएगा, देन मिल रहा है तो फार्दर आएगा, तो क्या होगा, फार्दर नहीं होगा, डिस्टेंस की कोई, डिस्टेंस की बात नहीं है, किसकी बात है, किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात, ठीक है,
ठीक है ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है, तो यहाँ हम कौन सा डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज करेंगे? फर्दर, क्लियर? एफ यू आर टी ए, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन बोलिए। द नोवेल एक्सप्लोर्स द ब्लैंक एक्सट्रीम्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, बोलिए। द नोवेल एक्सप्लोर्स द एक्सट्रीम्स ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, क्या आंसर होगा? फार्देस्ट होगा सर, फार्देस्ट होगा सर। हाँ, क्या होगा? फार्देस्ट होगा। द होल सॉरी द नोवेल एक्सप्लोर्स द फार्देस्ट, एफ यू आर टी एच ई एस टी, फार्देस्ट एक्सट्रीम्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ठीक है ना। इन एडिशन के लिए आ गया, द टेलीस्कोप इज डिजाइंड टू स्टडी द ब्लैंक रिसर्चेस ऑफ द यूनिवर्स, द टेलीस्कोप इज डिजाइंड टू द ब्लैंक रिचेज ऑफ द यूनिवर्स, यहाँ क्या सही मिल रहा है हमको? यहाँ किसके कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं, किसके कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं? डिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखें? रिचेज, रिचेज रिसर्च नहीं है, रिचेज डिस्टेंस के लिए। द फार्देस्ट रिचेज ऑफ द यूनिवर्स, हाँ जी। तीन क्वेश्चन आपके पास में, सी इज अ ब्लैंक गर्ल इन माई नेबरहुड। सेकेंड क्वेश्चन है, आई नीड ब्लैंक हेल्प इन दिस प्रोजेक्ट देन यू, ब्रैकेट में लिखा है, हो सकता है कई बार वो लिखा हुआ भी नहीं मिलता। आई नीड ब्लैंक हेल्प इन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है ना, देन यू, दिस इज द ब्लैंक अमाउंट विच आई हैव एवर टेकन फ्रॉम यू, फर्स्ट में क्या आंसर होगा? तो कंपैरिजन है फर्स्ट में, फर्स्ट में कंपैरिजन है, चलो कंपैरिजन, हाँ कोई कंपैरिजन नहीं है, वहां पे कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये ए अलग चीज है, ये ए अलग चीज है, ठीक है ना, ए लिटिल मत लिखना है यहाँ पे, सी इज ए लिटिल गर्ल के लिए ना, एक छोटी लड़की, हाँ छोटी लड़की, तो ये किसकी बात हो रही है, अमाउंट की बात हो रही है, साइज की बात हो रही है, साइज की, अमाउंट की बात हो रही है, साइज की बात हो, साइज की बात हो रही है, ठीक है ना। हाँ, अब एक क्वेश्चन और लिखा मैंने, दे विल चार्ज From you for this book, यहां क्या आएगा? They will charge less blank from you for this book. Amount आएगा यहाँ पर, अमाउंट की तो बात ही नहीं की, मैं तो इनमें से बात की है, चार्ज आएगा सर, लेस आएगा सर, यहाँ पे क्या आएगा? लेस आएगा, लेस क्यों आएगा कृष्ण जी, ये बता दो मुझे, ये यहाँ लेस क्यों आएगा वो बता दो सर, सुपर सर विल चार्ज है ना, और दूसरा चार्ज को वर्ब है सर, थोड़ी मात्रा सर, नहीं ये नहीं है ना, लेस से पहले दी आएगा ना, किससे पहले? मुझे बता दो, इस पे सर लेस आएगा क्योंकि दे और यू में कंपैरिजन है,
दे और यू में कंपैरिजन है, दे और यू में कंपैरिजन क्या है भाई साहब, दे तो सब्जेक्ट है और यू यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसमें कंपैरिजन क्या हुआ? इन दोनों में तो नहीं है। यू एंड मी में हो सकता है सर, मतलब यू जैसे ब्रैकेट में देन यू लिखा यहाँ पे, वैसे बिल्कुल समझ गए आप, देन मी हो सकता है, क्या हो सकता है, दे विल चार्ज लेस फ्रॉम यू फॉर दिस बुक देन मी। अब यहाँ देखो ये यू है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, अब यहाँ इस ऑब्जेक्टिव केस का इस ऑब्जेक्टिव केस से कंपैरिजन हो रहा है, समझ में आई ना बात, वो जो हम जनरली सब्जेक्ट का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ सब्जेक्टिव केस लिखते हैं, लेकिन यहाँ कंपैरिजन किसका किया जा रहा है, किसका किया जा रहा है बोलिए, किसका किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ भी क्या है ऑब्जेक्टिव केस, क्लियर, तो यहाँ लेस ही होगा, लिटिल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लिखा, मैंने ये लिखा, दिस इज ब्लैंक अमाउंट फॉर यू टू डोनेट एट दिस ऑर्फन एज होम, ORPHAN ऑर्फन एज, AGE ऑर्फन एज होम, ठीक है ना, ये लिखा है, दिस इज ब्लैंक अमाउंट फॉर यू टू डोनेट एट दिस ऑर्फन एज होम। अब यहाँ क्या आएगा इनमें से, एक दो तीन, सर लिटिल आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, हाँ दिस इज बोलिए, दिस इज लिटिल अमाउंट, दिस इज लिटिल अमाउंट, लिटिल थोड़ी सी ही, हाँ दिस इज लिटिल अमाउंट फॉर यू टू डोनेट दिस ऑर्फन एज होम, क्या होता है ऑर्फन एज होम, ये आता है कई बार, अनाथाश्रम, ये शब्द कई बार आता है, मैंने पहले भी बताया फिर आ सकता है, ठीक है ना, अनाथ आलय होता है या अनाथ आश्रम होता है, ठीक है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ हमें पता लग गया कोई कंपेरिजन नहीं, एक स्टेटमेंट है तो हमने लिटिल लिखा है, यहाँ पहले वाले में क्या आएगा, पहले वाले में क्या आएगा, लिटिल, लिटिल बोलिए, लिटिल आएगा, पहले वाले में क्या आएगा, लिटिल, सी इज अ लिटिल गर्ल इन माय नेबर, तो यहाँ हमारे पास कोई कंपैरिजन नहीं, हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, यहाँ आई नीड ब्लैंक हेल्प इन दिस प्रोजेक्ट देन यू, हेलो मैं देन यू तो लेस आएगा, लेस आएगा, अगर वो देन यू नहीं लिखा होता तो भी लेस ही आता, अगर वो देन यू नहीं होता तो भी लेस होता, ठीक है ना, आई नीड लिटिल हेल्प, सॉरी लेस हेल्प इन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है ना। अगर मैं देन यू लिख रहा हूं इसके प्लेस पे, मैंने ये लिख दिया देन प्रीवियस, देन प्रीवियस, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, देन हिंट मिल गया ना, हाँ नहीं हिंट मिल गया, लेकिन अब इस सेंटेंस का अर्थ क्या निकला, I need less help in this project than previous. या फिर यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? और जो पहले लिखा था I need less help in this project than you. दोनों में क्या अंतर? एक ही क्या? नहीं सर, पहले subject case में comparison था, अब objective में हो गया comparison. बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ जैसे मैंने यहाँ लिखा, मैंने I, इस I का comparison किससे था? इससे था। तो ये दोनों कौन से केस थे? दोनों कौन से केस थे? सब्जेक्टिव। अगर मान लो मैंने यू हटा दिया वहां से, मैंने वहां से क्या हटा दिया? यू हटा दिया, ये यू हटा दिया, और मैंने यहाँ ऑप्शन दिया आपको, ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए लिखा है मैंने ही, ऑप्शन नंबर बी लिखा हिज, ऑप्शन नंबर सी लिखा है मैंने हिम, और ऑप्शन नंबर डी लिखा है मैंने हर। अब बताओ यहाँ क्या आंसर आएगा, यहाँ ब्लैंक होता तो क्या, बताओ आएगा सर, आई नीड, हाँ ई आएगा सर, ई आएगा, ध्यान रखो कृष्ण जी की बात का, कृष्ण जी की बात का ध्यान रखो, कृष्ण जी ने बिल्कुल एग्जैक्ट बताया कि यहाँ हमारा सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन था, या कौन सा कंपैरिजन था, सब्जेक्टिव का, तो यहाँ हमारे को क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, I need helpless in less help in this project than जरूरत मुझे। अब अगर मैंने ये हटा दिया और then
अब ये हटाते ये पार्ट, तो अब सेंटेंस का क्या मीनिंग है? अब किसका कंपैरिजन? अब किसका कंपैरिजन होगा? हेलो, सबको आ रही है इश्यू? सबके साथ है क्या वो इश्यू? स्टक हो रही है आवाज। हेलो, स्टक हो रही है? अब सही हो गई सर। प्रॉपर, चलिए। हाँ, अब बताइए, अब यहाँ हमने देन ही लिखा तो यहाँ कौन सा कंपैरिजन था? सब्जेक्टिव कंपैरिजन था, लेकिन दिस प्रोजेक्ट देन प्रीवियस लिखा है यहाँ पे, अब कंपैरिजन किसका हो गया यहाँ पे? अगर उसको हटा के हमने ये लिखा तो किसका कम? अब ऑब्जेक्ट कंपैरिजन। समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? यहाँ अगर मैंने ये लिखा है तो अब कंपैरिजन किसका हो गया? ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन। आप लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the blank amount which I have ever taken from you. बोलिए। This is the blank amount which I have ever taken from you. तो इस amount को कहीं define किया जा रहा है क्या? इस amount को कहीं से define किया जा रहा है क्या? कोई define है क्या? हाँ, ये किससे हो रहा है? इस पूरे क्लोज से, विच आई हैव एवर टेकन फ्रॉम यू, इससे पूरे से कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या हो रहा है? आइडेंटिफाई हो रहा है ये ना अमाउंट, ठीक है ना? ये डिफाइनिंग क्लोज है इसके लिए। तो अब इसके लिए हमने आर्टिकल क्या लिखा? द लिखा है। तो अब द लिखा है तो आंसर क्या हो गया? बोलिए। हेलो, लिटिल आएगा? वेरी गुड सर, लिस्ट होगा सर, लिस्ट होगा। हाँ जी, एस, ठीक है ना? वैसे यहाँ अगर हम लिटिल की बात करें, हाँ लिटिल की बात करें तो द लिटिल भी तो सही है, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही? द लिटिल भी तो सही है। हाँ सर, इज द लिटिल अमाउंट, द लिखा है ना? हाँ द लिखा है, तो द के साथ हम लिटिल को यूज करते हैं। लेकिन जब अगर हमें ये लिटिल का ऑप्शन नहीं दिया गया, लिटिल का ऑप्शन नहीं दिया गया, लिटिल का ऑप्शन नहीं दिया गया तो हमें आंसर क्या लिखना है यहाँ पे? हेलो, लिटिल का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो क्या लिखना है? लिस्ट लिखना है। तो इसके नीचे ब्रैकेट में आप लिटिल भी लिख सकते हैं, द लिटिल लिखेंगे, ठीक है ना? इसको मैंने गोला लगा दिया, और क्या लिखेंगे? अगर लिटिल का क्वेश्चन आता है, यहाँ लिटिल का अगर क्वेश्चन आता है, लिटिल ए लिटिल और द लिटिल, तो आप किसको लिखेंगे यहाँ पे? किसको लिखेंगे बोलिए? द लिटिल। क्लियर? दैट इज डिपेंड ऑन द ऑप्शन, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ओके, तो ये पांचों क्वेश्चन हमारे हो गए इसमें।